जबलपुर में बीते कई सालों से बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस बार भी पहली बारिश में इन दावों की पोल खुल गई। दरअसल जबलपुर में करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस सीजन की पहली जोरदार बारिश के दौरान गढ़ा सहित कई निचले क्षेत्रों की कॉलोनियों में जलभराव हो गया। आलम यह था कि सड़कें तालाब बन गई। इसकी जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री, पश्चिम विधानसभा के विधायक राकेश सिंह और अपनी विधानसभा क्षेत्र का मुआयना करने के लिए निकल पड़े। गढ़ा की गंगा नगर और चंदन कॉलोनी में करीब 1 फीट तक पानी भर गया था। राकेश सिंह बरसते पानी में ही कॉलोनी का निरीक्षण करने निकले और पैदल मार्च करते हुए सभी जगह घूमकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर जलभराव की समस्या से समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। संहिता चल रही थी तब भी मैंने एक बैठक की थी और बैठक का उद्देश्य यही था कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद और बारिश के बीच में समय बहुत कम बचेगा तब बहुत सारे काम हो नहीं पाएंगे और इसीलिए नालों की सफाई हो जाए, गहराई से सफाई हो जाए, जहाँ जहाँ पानी को लेकर, निकासी को लेकर अवरोध है वो हटा दिए जाएँ, इनको लेकर बैठक की थी। उसमें से काफ़ी कुछ काम हुए भी हैं। हम ये नहीं मान सकते कि काम नहीं हुए। नगर निगम ने सफाई के काम भी किए हैं, कोशिश भी अपनी तरफ। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जब वोट लेना होता है तो नेता दिग्गज सब पहुंच जाते हैं लोगों के पास, कितने भी पिछड़े क्षेत्र क्यों ना हो, सब जगह पहुंच जाते हैं। जब काम की बात होती है तो पिछड़े क्षेत्रों में शायद वो पहुंच नहीं पाते, देख नहीं पाते कि क्या स्थिति बनी हुई है, दयनीय स्थिति है। और तस्वीर हम देख भी रहे हैं, नगर निगम की पोल खुल गई है यहाँ पर एक ही बरसात में। अब बिल्कुल, ये नगर निगम का अभी कुछ दिन पहले ही ये दावा हुआ था कि शहर के सभी नालियों की, नालों की और कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था कर ली गई है कि बारिश अगर होगी तो कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन आज तकरीबन आधे घंटे की बारिश में ही इस स्थिति का, इन तमाम दावों का जो है, इन दावों की कलई खुल गई और कई कॉलोनियों में पानी घुटनों तक भर गया। और इसी दौरान जो है, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, जो जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से विधायक भी हैं, उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो वह खुद अपनी विधानसभा में घूमने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे और नंगे पैर, मतलब पैदल ही उन्होंने अपने क्षेत्र में कॉलोनी का भ्रमण किया और घुटनों तक पानी जो था, 1 फीट से ज़्यादा पानी था, वहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों को बुलाकर स्थिति बताई कि जो दावे आपने किए थे उन दावों की पोल खुल गई और कॉलोनियों में पानी भरा है। फिलहाल ये स्थिति सिर्फ एक बार की नहीं है, हर साल यही तस्वीर होती है और हर बार दावे यही होते हैं। बीते साल महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने निरीक्षण किया था, इसी तरह इस बार कैबिनेट मंत्री ने किया। लेकिन क्या इस समस्या से निजात मिल पाएगी या यह ऐसी ही चलती रहेगी, सवाल अब भी यह बना हुआ है। बाकी सवाल बना हुआ है सवाल